नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डिक्की में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक पियाजे कहलबर्ग एवं वायगोसिकी के सिद्धांत के पचहत्तर अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में दोस्तों साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको जो दो हज़ार ग्यारह से लगाकर दो हज़ार सोलह तक जो सीटेट की एग्जाम हुई है उसमें जो पूछे गए प्रश्न दोस्तों उनकी भी हम साथ में बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न है दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो हज़ार ग्यारह में एक प्रश्न पूछा गया था दो में छः प्रश्न 2013 में एक प्रश्न 2014 में नौ प्रश्न और सबसे ज़्यादा पूछे गए थे 2015 में ग्यारह प्रश्न और 2016 में पूछे गए थे दस प्रश्न जो सी टेट की एग्जाम होती है उसमें तो यहाँ पर दोस्तों आपको पचहत्तर प्रश्न मिलने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के प्रश्न और उत्तर बताऊँगा क्योंकि हमने इसकी थ्योरी पहले ही बना चुके हैं उसका वीडियो यदि आपको उन वीडियो को देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर सबसे पहले तो आप उन वीडियो को देखिएगा उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि अच्छे से वहाँ पर आप पहले समझ लिए लीजिएगा के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं वहां पर आपको फ्री पी प्रोवाइड करवाते हैं और नई नई अपडेट्स आपको देते रहते हैं तो वहां पर भी जुड़ जाइएगा उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यदि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो आप साधारणतः टेलीग्राम और फेसबुक पर जाकर ऑनलाइन स्टडी विद डी के लिखेंगे तो आसानी से वहां पर पहुंच जाइएगा और जुड़ जाएगा तो यहां पर दोस्तों पचहत्तर प्रश्न मिलने वाले काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो एक पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि आप मैं जब तक प्रश्न

जो दो से सात वर्ष तक की होती है तीसरी होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो सात से ग्यारह वर्ष तक की होती है और जो चौथी अवस्था होती है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसको हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं जो ग्यारह वर्ष से आगे या फिर ग्यारह वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था होती है ये चार अवस्थाएं होती दोस्तों मोटे तौर पर आपको बता दिया अब हम डायरेक्ट चलेंगे इनके प्रश्न उत्तर पर तो पहला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग दो वर्ष आयु के दौरान बच्चा रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है किस अवस्था में सीखता है दोस्तों आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है मैंने सबसे पहले आपको बताया जो पहली अवस्था होती है वो इंद्रीजनिक गक अवस्था होती है और उसी आधार पर वो सीखता है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग दो वर्ष की आयु तक होती है उसके दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों फोर्थ वाला रहेगा और जो पहला अवस्था होती है वह जनिक गामक अवस्था होती है जो जन्म से दो वर्ष तक की होती है अगला अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है यहाँ पर आपको बताना दोस्तों किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है चार विकल्प भी है आपके सामने मूर्त सक्रियात्मक चरण औपचारिक सक्रियात्मक चरण सविधि प्रेरक चरण या फिर पूर्व सक्रियात्मक चरण तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पूर्व सक्रियात्मक चरण जो कि दो से सात वर्ष तक का होता है ये दूसरा दूसरी अवस्था है दोस्तों पियाजे की याद रखिएगा यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होती है किसका कथन है जिन प्याजे का कहल का स्किनर का या फिर वायग्सिकी का तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है यहाँ कथन जो है दोस्तों वो जिन प्याजे का है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है कौन सी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो संवेदी प्रेरक अवस्था है दोस्तों इसी को इंद्रजनिक गामक अवस्था कहते हैं कन्फ्यूज नहीं होना है आपको तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पूर्व सक्रिय क्रियात्मक अवस्था में जो कि दो से सात वर्ष तक की होती है अगला प्रश्न है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है क्या कहा है व्यवस्थापन कहा है सात्मिकरण, खोज या फिर निर्माण तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है बच्चों के विचारों में नए विचारों के समावेशन को सातवीकरण कहा है पियाजे ने तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला अगला प्रश्न है जिन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संगनात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है कितने वर्ष के बच्चों में दोस्तों संगनात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है चार वर्ष छः वर्ष आठ वर्ष या फिर बारह वर्ष तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो बच्चों में संगनात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है वो छः वर्ष के बच्चों में पाया जाता है जिन पियाजे के अनुसार तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था किसने दिया था स्किनर ने वायुगुत्सिकी ने जिन प्याजी ने या फिर कोहलबर्ग ने तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत दिया था वो जिन प्याजी ने दिया था तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की चार अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है कौन सी दोस्तों औपचारिक और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था एक ही होती है तो ये आपको बताना है कितने से कितने वर्ष तक की होती है और जो चार अवस्थाएं होती है उसमें कौन से नंबर पर आती है ये भी आपको मैं बता बताऊँगा तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ग्यारह वर्ष से लेकर प्रोड़ा वर्ष तक की होती है और ये चौथी अवस्था होती है पियाजे द्वारा दी गई चार अवस्थाओं में तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा अगला प्रश्न है जिन प्याजे में संगणात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है आपको सभी को पता दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कितने अवस्थाओं में विभाजित किया है जिन प्याजे ने तो यहाँ पर आपके सामने चार विकल्प हैं चार चरणों में तीन चरणों में सात चरणों में फिर पाँच चरणों में तो इन्होंने चार चरणों में विभाजित किया है दोस्तों दिन पियाजे ने संगणत विकास को आ, कौन कौन से इंद्रीजनिक गामक अवस्था जो जन्म से दो वर्ष तक की होती है पूर्व सकार्रात्मक अवस्था जो दो से सात वर्ष तक की होती है मूर्त तो सकार्रात्मक अवस्था सात से ग्यारह वर्ष तक की होती है औपचारिक या फिर अमूर्त तो सकारात्मक अवस्था जो ग्यारह वर्ष से प्रौढ़ावस्था या फिर ग्यारह वर्ष से आगे तक की अवस्था मानी जाती है या फिर होती है तो चार अवस्थाएं बताई दोस्तों दिनप्याजी ने तो यहाँ यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प रहेगा वो पहला वाला रहेगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में फिर इंद्रजनिक गामक अवस्था में तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला जो कि 11 वर्ष 11 वर्ष से आगे या फिर 11 वर्ष से प्रोड़ावस्थक की अवस्था मानी जाती है या फिर मानी गई है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्न है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है क्या कहलाता दोस्तों वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना सामीकरण समायोजन अनुकूलन या फिर सहकारिता तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जब वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो साधारण सा प्रश्न दोस्तों आप सभी को पता है कि पियाजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दूसरा वाला अगला प्रश्न है शिक्षक को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचारों का संचार होता है एवं इससे उनके मौलिकता का सृजन होता है निम्न में से यहाँ कथन संबंधित किससे हैं प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक महत्व से हैं वायुगोत्सिकी के सामाजिक विकास के सिद्धांत से हैं कहल के नैतिक विकास के सिद्धांत से हैं या फिर उपरोक्त में से में कोई नहीं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो कथन है ये प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्न है निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है वायगोसी के द्वारा कहलबर्ग जिन पियाजे या फिर अब्राहम मास्लो द्वारा यहाँ पर चार विकल्प हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया था वो जिन पियाजे द्वारा दिया गया था तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है पियाजे थे जो पियाजे थे दोस्तों क्या थे खगोलविद थे भूगर्भशास्त्र थे मनोवैज्ञानिक थे या फिर समाज थे तो जो पियाजे थे दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला अगला प्रश्न है इंद्रीजनिक गामक अवस्था होती है मैंने आपको बताया दोस्तों चारों अवस्थाओं के बारे में बताया था कौन सी कब कितने वर्ष तक की होती है तो आपको सभी को पता होगा जो इंद्रीजनिक गामक अवस्था है वो जन्म से दो वर्ष तक की होती है तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में इंद्रियजनिक गामक अवस्था में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है कब होता है संविधिगामक अवस्था में होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में मूर्त सक्रात्मक अवस्था में या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेकंड वाला आप दोस्तों जो थ्योरिकल बनाई है इन इनपे वायगोत्सिक वायगुत्सिकी कोहलबर्ग और जिन प्याजे के ऊपर तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो यहाँ पर हमारा जो

अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो रहेगा पहला वाला अगला प्रश्न है निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने किया है जिनपे आज लारेंस कोहलबर्ग फायर्ड या फिर सीअर्स तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो लारेंस कोहलबर्ग द्वारा किया गया है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेकंड वाला अगला प्रश्न है लारेंस कहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं में कितने चरणों में विभाजित किया है कितने चरणों में विभाजित किया है दोस्तों लारेंस कहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को दो चरणों में तीन चरणों में चार चरणों में या फिर आठ चरणों में तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है लारेंस कहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं को तीन चरणों में विभाजित किया है अब कौन कौन सी दोस्तों तीन अवस्थाएं पहली है पूर्व परंपरागत अवस्था दूसरी है परंपरागत अवस्था और तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था अब कितने से कितने वर्ष तक की होती है जो पूर्व परंपरागत अवस्था है जो पहली अवस्था है वो चार से दस वर्ष तक की होती है दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था जो कि दस से तेरह वर्ष तक की होती है और जो उत्तर परंपरागत अवस्था है वो तेरह वर्ष से ऊपर तक की होती है याद रखिएगा दोस्तों तीन अवस्थाएं दी थी उन्होंने तीन चरणों में विभाजित किया था नैतिक विकास के अवस्थाओं को तो यहां पर ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है द्वारा प्रतिपादित, की के के या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है कौन सी दोस्तों, आ, या की चरम अवस्था, अवस्था परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था आधारहीन अवस्था या फिर आधारयुक्त अवस्था तो यहां पर हमारा सही आंसर है नैतिक या चारित्रिक विकास की जो चरम अवस्था है वो आधार आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है और ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये जो चारों अवस्थाएं हैं ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं हैं इनको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा आप तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है किसने दिया है दोस्तों नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया जिन पियाजे ने लय वायगोसिकी ने लॉरेंस कोहलबर्ग ने या फिर किम्बन यंग ने तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है नैतिक विकास की अवस्था का जो सिद्धांत दिया है और लारेंस कहलबर्ग ने दिया है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है कहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है कौन सा है चार से दस वर्ष तक का है तेरह वर्ष से आगे तक का है दस से तेरह वर्ष तक का है या फिर तीन से तेरह वर्ष तक का है आपको बताया था दोस्तों मैंने परंपरागत नैतिक स्तर का काल कितने वर्ष तक का होता है ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो दस से तेरह वर्ष तक की का जो काल होता है वो कोहलबर्ग के अनुसार परम्परागत नैतिक स्तर का काल होता का है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है किस अवस्था से संबंधित दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है यहां अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है इस अवस्था में दोस्तों बालक का सामाजिक शारीरिक और मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का शुरुआत हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो तीसरा रहेगा यहाँ अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है क्या सही है क्या गलत है इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता कौन सी अवस्था है दोस्तों कौन सा स्तर है वो पूर्व नैतिक स्तर परंपरागत नैतिक स्तर उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है पूर्व नैतिक स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है क्या सही है क्या गलत है इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो रहेगा पहला वाला अगला प्रश्न है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं यहाँ विचार किसके द्वारा रखा गया जो विचार दोस्तों किसके द्वारा रखा गया बहुत अच्छा विचार है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं यहाँ जो विचार है किसका है जिनप्याजे का कहलबर्ग का वायगुत्सुकी का या फिर पावलाव का तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो जो हम विचार है ये वायगुत्सुकी का है तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंत क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है किसने माना है दोस्तों बच्चों की अंत क्रिया को उनके विकास का मूल आधार लॉरेंस कोहलबर्ग ने लेव वायगोत्सिकी ने जिन प्याजे ने या फिर स्किनर ने तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है लेब वायुगोत्सिकी ने बच्चों की अंत क्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है वायगोसिकी के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में पूर्व बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वायगोसिकी के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में होते हैं तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रहेगा तीसरा वाला अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया पियाजे काहलबर्ग वायगोत्सुकी या फिर टेलर द्वारा तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वायगोत्सुकी द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला अगला प्रश्न है वायगोत्सिकी के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है किसका होता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योगदान बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर आपको बताना है किसका होता है परिवार का विद्यालय का समाज का या फिर धर्म का तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो वायुगुत के अनुसार किसी बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज का समाज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों किसी बालक के विकास का ये वायुगुत के अनुसार है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला अगला प्रश्न है वायुगोत्सिकी के अनुसार रिक्तस्तान के बाद रिक्तस्तान में लिंग संबंधित चेतना रिक्तस्तान हो जाता है यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि वायुगोतिकी के अनुसार किसके बाद किस में लिंग संबंधित चेतना रिक्तस्तान हो जाता है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वायुगोत्सिक्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है वायगोत्सिकी के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को किसमें जिस प्रकार की रिक्त स्थान प्राप्त होगी उसका भी उसी प्रकार होगा क्या होगा दोस्तों आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वायगोतिकी के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सवेगो या भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है बाल्यावस्था किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है किशोरावस्था सवेगो या भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है किसने दिया है दोस्तों सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल जिनप्याजे ने ले वायुगुत्सिकी ने रास ने या फिर कहल वर्ग ने तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ले वायुगुत्सिकी ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है सहानुभूति सहयोग सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है कौन सी अवस्था में पाई जाती है दोस्तों सहानुभूति सहयोग सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति बाल्यावस्था में किशोरावस्था में उत्तर बाल्यावस्था में या फिर उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है किशोरावस्था में सहानुभूति सहयोग सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न मिलने वाले हैं इकतालीस से लगाकर सेवेंटी एट प्रश्नों तक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो सीटेट से, से रिलेटेड है तो यहाँ पर पहला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग दो वर्ष की आयु के दौरान होती है जिसमें बच्चा रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है क्या सीखता है दोस्तों आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो कि पहला प्रश्न था दोस्तों आपको पहला प्रश्न इसी से रिलेटेड आपको बताया था तो आपको इसका आंसर पता होगा तो सबसे पे, सबसे जो बेहतर सीखता है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है बच्चा प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में जो कि जन्म से लगभग दो वर्ष की आयु तक की होती है तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा अगला प्रश्न है पियाजे के अधिगम के संगणात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगणात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है क्या कहलाती है प्रत्यक्षण समायोजन समावेशन या फिर स्कीमा यहाँ पर, पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्रश्न कब पूछा गया था सीटेट जनवरी 2012 में अभी जो प्रश्न स्टार्ट हुए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कब पूछा गया था तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है प्याजे के अधिगम के संगनात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगनात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वहाँ समावेशन कहलाती है तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है कहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है सहयोग की नैतिकता नैतिक तर्कणा नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा तो कोहल के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है कब करता है दोस्तों मूर्त सक्रियात्मक चरण में औपचारिक सक्रियात्मक चरण में संवेदी प्रेरक चरण में या फिर पूर्व सक्रियात्मक चरण में तो यहां पर हमारा सही आंसर है प्याजे के अनुसार सिंहत्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग रिक्तस्तान की ओर संकेत करता है किसकी ओर संकेत करता है दोस्तों आ, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना अनुरूपित शिक्षण या फिर पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प रहेगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्न है लारेंस कहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं किन चरणों का अनुसरण करते हैं दोस्तों आपके सामने चार विकल्प इसमें से आपको बताना है यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों बी और ए होगा बी और डी होगा ए और डी होगा या फिर ए और सी होगा तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप पुश करके इसका आंसर अच्छे से देख लीजिएगा उसके बाद ही आप इसका आंसर दीजिएगा तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो बच्चे अनुसरण करते हैं वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्ति और विनिमय का करते हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ए वाला अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अगला प्रश्न है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसका ज्ञान दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है करनेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है किस अवस्था में दोस्तों वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की परंपरागत पश्चि परंपरागत पूर्व परंपरागत या फिर परापरम्परागत तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पश्चिम परंपरागत के अंतर्गत है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है जो तथ्य दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है रचनावादी सामाजिक रचनावादी व्यवहारवादी या फिर पारिस्थितिकी है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है यह तथ्य अधिगम के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से संबंध रखता है या फिर संबंधित है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ प्याजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता दोस्तों तो कौन सा निहितार्थ है जो प्याजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता तो वो निहितार्थ है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता इसको प्याजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है चार विकल्प है आपके सामने इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला ये कहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला वाला अगला प्रश्न है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर तर गया है किसको दोस्तों आँका गया है अहम केंद्रित भाषा को विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना को या फिर अनुवांशिकता को या फिर सामाजिक अंत क्रिया को तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है सामाजिक अंत क्रिया को पियाजे द्वारा कम अंतर आँका गया है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है फोर्थ वाला अगला प्रश्न है यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है यहाँ जो कथन है दोस्तों ये किस व्यक्ति से संबंधित है डार्विन से स्किनर से ब्रेनर से या फिर वायुगोत्सिकी से तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो कथन है ये लेव वायुगोत्सिकी से संबंधित है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने से सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे किस स्तर पर होंगे पारस्परिक पूर्व पारस्परिक उत्तर पारस्परिक या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ये उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो

अगला प्रश्न है वायगोतिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं या फिर स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वायुगुत्सिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्न है वायुगुतिकी के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कौन सा दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वायुगोत्सिकी के अनुसार आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर वायुगुतिकी के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला अगला प्रश्न है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं किसके द्वारा सीखते हैं दोस्तों प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो बच्चे सीखते हैं दोस्तों वो अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं प्याजे के सिद्धांत के अनुसार तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है किसको दोस्तों उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है उन्होंने जो असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है वो विचार की अनुत्कर्मणता या फिर पलट ना सके को ठहराया है जिम्मेदार असमर्थता के लिए तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना कौन सी है चार विकल्प आपके सामने इसमें से बताना है यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था तो यहाँ पर आलोचना बताना है दोस्तों कौन सी एक प्रमुख जो आलोचना है वो कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है ये एक आलोचना है प्रमुख कोहलबर्ग के सिद्धांत की तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायुगुत्सिकी के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है कौन दोस्तों संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है ये वायुगुत्सिकी के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा तो अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला अगला प्रश्न है वायुगुत्सुकी तथा प्याजे में परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है कौन सी दोस्तों प्रमुख विभिन्नता चार विकल्प दी हैं इसमें से आपको बताना है कि वायुगुत्सुकी तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता कौन सी है तो यहाँ पर जो प्रमुख विभिन्नता आपको बताना है कौन सी है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण ये वायुगुत्सुकी तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है किस बात पर निर्भर करता है अध्यापिका की मनोदशा बच्चे की नर्सिंग योग्यता कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार या फिर बच्चे के निष्पादन का स्तर तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन बच्चे के निष्पादन का स्तर पर निर्भर करता है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों को फोर्थ वाला रहेगा अगला प्रश्न है मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या फिर पद का प्रयोग किया है जिनका परिपक्वन प्रखंड का स्कीमा जिसको हम अवधारणा बोलते हैं या फिर विकास के क्षेत्र का तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है इसके लिए पियाजे ने स्कीमा या अवधारणा शब्द या पद का प्रयोग किया है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है वायुगोत्सुकी के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं दोस्तों वायुगोत्सुकी के अनुसार बच्चे आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वायुगोत्सुकी के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है किसकी एक विशेषता है दोस्तों अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास चार विकल्प है आपके सामने इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में से एक विशेषता है तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है आप यहाँ मेरे लिए करें और मैं वहाँ आपके लिए करूँगा यह बच्चा कहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा किस अवस्था के अंतर्गत आएगा दोस्तों आपके सामने चार विकल्प है इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा यह बच्चा कहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण की अवस्था के अंतर्गत आएगा तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके ये दोस्तों आपको बताना है कि कौन से आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है चार विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है वो उसे यहाँ बताना कि वहाँ बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है एक ये आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है किसकी भूमिका दोस्तों महत्वपूर्ण होती है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव अनुकरण पुनर्बलन या फिर भाषा तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा अगला प्रश्न है पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली सिंगनात्मक योग्यता है क्या है दोस्तों पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संगनात्मक योग्यता आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता ये पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली सृघनात्मक योग्यता है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला अगला प्रश्न है वायगोत्सुकी की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते रहें तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्न है वाय के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता किससे नहीं किया जा सकता दोस्तों पृथक सीखने को पुनर्बलन से व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से अवबोधन और अवधनात्मक प्रक्रियाओं से या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वाय के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला अगला प्रश्न है जिन प्याजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों जिन प्याजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है आपके सामने चार विकल्प हैं इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है ये जिन प्याजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में सही कथन है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्येक तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है दोस्तों जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्ये से चार विकल्प है आपके सामने इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्ये से तात्पर्य है कि परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा अगला प्रश्न है लेव वायुगुत्सिक्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है या फिर बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा लेव वायगुत्सिक्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला अगला और लास्ट प्रश्न ही लॉरेंस कहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सा कथन सही है आलोचना के संदर्भ में चार विकल्प दिए हैं इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है ये कथन सही है आलोचना के संदर्भ में तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला तो दोस्तों यहाँ पर पचहत्तर प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं आप सोच रहे होंगे दोस्तों तो यहाँ तो अठहत्तर प्रश्न है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने दो तीन प्रश्न ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तीन तीन से चार प्रश्न मैंने स्किप किए हैं बीच में वो प्रश्न रिपीट हो रहे थे उन प्रश्नों को नहीं लिया है तो यहाँ पर अठहत्तर प्रश्न लिए हैं इसलिए तो यहाँ पर हमारे पचहत्तर प्रश्न समथिंग हो जाते हैं तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद